नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं सौरभ और आप देख रहे हैं SY ब्लॉगर। तो ये जो ब्लॉग है आप लोगों को दिल्ली टूर का होने वाला है, तो मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग में देता रहूँगा। तो दोस्तों फाइनली ये जो वीडियो थी हमने यहाँ से स्टार्ट कर दी थी, यानी कि हम नेशनल म्यूजियम दिल्ली के नेशनल म्यूजियम टिकट काउंटर पे थे, जिसकी टिकट की प्राइस 20 रुपये मात्र थी। ये जो म्यूज़ियम है ये 1949 में बना था, और यहाँ पे एक बार आप लोग देखो काफ़ी पुराने पुराने स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप लोगों को पुराने ज़माने के डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर देखने को ईजिली मिल जाएंगे, और यहाँ पे लाइटिंग जो थी वो काफ़ी सुंदर थी। और जैसा ये मेरे वीडियो में आप लोगों को ये स्टैचू दिख रही है, ये 15वीं शताब्दी की फ्रांस की कोई स्टैचू थी, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था। लेकिन ये जो नज़ारा है ये म्यूज़ियम के गेट के अंदर एंटर जैसे होंगे आप लोग वहाँ का है। तो यहाँ से आप लोग देखो गेट नंबर 1 से आपको एंटर करके आगे जब आएंगे, और ये वाला जो है ये गेट नंबर 2 है, और ये सामने जो आप लोगों को दिख रही है ये कोई स्ट्रक्चर था, अब इसके बारे में मेरे को नहीं पता। और इसका जो टाइमिंग है ये है 10 बजे खुलता है और 6 बजे बंद हो जाता है। तो ये जो मेन एंट्रेंस था हम यहाँ से अंदर हो गए थे। अब ये आप लोग यहाँ पे देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता की कुछ उस टाइम पे जो वो लोग बर्तन वगैरह यूज़ करते थे कुछ इसी टाइप के थे, जैसा कि ये देख लो आप लोग इस टाइप के, ये आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियरली ऐसे टाइप के। और एक बार चारों तरफ का इसमें आप लोगों को मैं घूम के दिखा देता हूँ, आप लोग देखिए। और इसके बाद जो हमने देखा यहाँ पे था मौर्य एंड सत्वाहन कलाएं, ये मौर्य एंड सत्वाहन कलाएं लिखा था यहाँ पे, मतलब ये उससे कुछ रिलेटिव होंगी। रीज़न ये है ना बोलने का, क्योंकि यहाँ पे बोलने के लिए मना किया गया है ज़्यादा लाउड में। दोस्तों ये देखो आप लोग, ये ना नेशनल म्यूजियम के अंदर से है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर ना मना किया हुआ है ज़्यादा बोलने को। और ये ऊपर वाला फ्लोर यहाँ से है, और हड़प्पा सभ्यता के अंदर यहाँ पे मैंने दिखाया आपको। और ये देखो आप लोग, अब यहाँ हम किसी दूसरे हॉल में आ चुके थे जो कि इंडियन पेंटिंग्स थी सारी, ये भारत की सारी कलाएं थी। यहाँ पे पुराने पुराने टाइम की तस्वीरें लगा रखी थी जो लोगों ने कला कर रखे थे। और ये हम आ गए थे इंडियंस कॉइन्स में, जो पहले टाइम के कॉइन्स थे। आप लोग देखो यहाँ पर कम से कम नाना करते हुए भी 20 से 30 हज़ार कॉइन्स यहाँ पे थे, यानी कि अकबर कॉइन्स, गुप्त कॉइन्स, पता नहीं कौन कौन से कॉइन्स यहाँ पे देखने को मिले, मुझे खुद भी नहीं पता था। लेकिन जो भी था अच्छा एक्सपीरियंस था, देखने में कुछ सीख मिली कि हाँ पहले के जो कैसे सिक्के बनते थे काफ़ी टफ था वो चीज़ें भी करना, यानी कि यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी है कैसे सिक्के बनते थे कि काट काट के लोग बनाते थे, सब कुछ दे रखा। अगर आप लोग आओगे तो एक बार देखना, आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा देख के, और बाकी आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो ये देखो दोस्तों, हम इसमें एंटर कर चुके थे उत्तर भारत की पूर्व जनजातियाँ, ये इसके बारे में कुछ यहाँ पे जो उत्तर भारत की पूर्व जनजातियाँ था उनके बारे में, यहाँ पर सारा स्ट्रक्चर वगैरह सब उनके बारे में यहाँ पर बेस्ड था। तो आप लोग देखो ये सारी चीज़ें पहले के टाइम की।
भाई पुराने ज़माने के सारे गेट वगैरह सब कुछ दिए हुए आप लोगों को, ये देखो। और यहाँ पे जो बना रखा है ना, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बना रखा है, और आवाज़ें इसी वजह से गूंज रही हैं क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला हूँ और ज़्यादा भीड़ है नहीं। और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं म्यूज़ियम के जब बाहर जाऊँगा ना तो आप लोगों को दूंगा, यहाँ पे ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, बस दिखा सकता हूँ। और आप लोग इस रूम में देखिए, यानी कि इस हॉल में, यहाँ पे सारे कंट्रीज़ के वस्त्र दे रखे थे, यानी कि पूर्व वस्त्र कैसे यूज होते थे वो दे रखे थे, आप लोग देखिए। तो दोस्तों ये जो हॉल था ये मूवी हॉल था, यहाँ पे जो भी मूवियाँ हैं वो चलती रहती हैं, यानी कि ऐसा नहीं है लेटेस्ट मूवियाँ, यानी कि रामायण वगैरह ऐसी करके मूवियाँ। और ये देखो यहाँ पे अगर आपका इंटरेस्ट है इन चीज़ों को समझने का तो यहाँ पे आप गूगल मैप से सर्च करके भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। राजसी बुद्धा स्तंभ है और जापान की जो करेंसी के जो वहाँ की जो करेंसी है ना उस पर यही तस्वीर आती है। भाई इस म्यूजियम में हमें एक और चीज़ देखने को मिली थी, ये देखो, ये न जाने किस चीज़ की स्टैचू थी बट लेटी हुई थी, हमें समझ नहीं आया, बस हमने रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ से और ये हम तीसरे फ्लोर पे आ गए थे, थर्ड फ्लोर पे, तो यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हुए थे पहले टाइम के, तो मैं वही चीज़ें देख रहा था। और ये देखो, और आगे ही आप लोगों को ये देखो पहले का गेट्स कैसे हुआ करते थे, ये भी यानी कि पुराने ज़माने के काफ़ी, यानी कि 13वीं 14वीं ईस्वी के ऐसे हैं। और इसके बारे में मुझे ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, अगर आप लोगों को ज़्यादा डीपली जाना है, नॉलेज लेनी है, तो आप लोग जा सकते हैं, दिल्ली में है नेशनल म्यूज़ियम, जिसका टिकट का प्राइस 20 रुपये है, और ये मॉर्निंग में ओपन होता है 10 बजे से लेके 6 बजे तक, और ये हर मंडे को एवरी मंडे क्लोज रहता है। और मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे जो बुद्धा भगवान की थी ये पेंटिंग बना रखी थी स्टूडेंटों ने, यानी कि स्कूल के बच्चों ने, वहाँ पे अपना नाम भी सब लोगों ने मेंशन कर रखा था, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। और ये देखो यहाँ पे ज्योमेट्री बॉक्स एक रखा होता है, लेकिन यहाँ पे डू नॉट टच करना मना था। इंडिया की मैपिंग थी, यानी कि ये एजुकेशन रूम था जो बच्चों की एजुकेशन में यूज़ होता है। और देखो गुल्लक भी था। और इस वीडियो में, पूरी वीडियो में और म्यूज़ियम में मेरे को जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी, यहाँ के कॉइन्स कैसे बनते हैं, कैसे काउंट होते थे पहले, और कैसे कैसे कॉइन्स थे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।